हमारे भारत देश में हजारों जातियां और उपजातियां हैं, हजारों सालों से उनका वजूद है, मगर रुतबे और दबंगई में जाट किसी से कम है के? ये लाइन तो आपने जरूर सुनी ही होगी। देश में आबादी के लिहाज से भले ही जाटों की जनसंख्या कम हो, लेकिन देश के कोने कोने में आपको जाट मिलेगा, चाहे वो बॉर्डर पर हो या खाकी में, खेत में हो या मैदान में, चाहे बॉलीवुड में हो या संसद में, वो दुनिया से निराला है। क्यों है जाट खास, आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। वीडियो की शुरुआत में मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर करना चाहती हूँ। एक बार एक जाट था। जाट ने सार्वजनिक स्थान पर बहस बांधने के लिए खूंटा गाड़ दिया। अब दूसरे चौधरियों ने खूंटा उखाड़ने का अनुरोध किया, लेकिन जाट ने बात नहीं मानी और लास्ट में ये पहुंच गया मामला पंचायत के पास। पंचों ने जाट से कहा, तूने खूंटा गलत जगह गाड़ा है। जाट बोला, मानता हूँ। पंच बोले, खूंटा यहाँ नहीं गाड़ना चाहिए था। जाट फिर से बोला, मानता हूँ। पंच बोले, खूंटे से टकराकर बच्चों को चोट लग सकती है। जाट बोला, मानता हूँ। पंच फिर बोले, भैंस को सार्वजनिक स्थान पर गोबर करती है, गंदगी फैलाती है, यह नहीं मानना चाहिए। जाट बोला, मानता हूँ। पंच फिर बोले कि भैंस बच्चों को सींक भी मार सकती है। जाट बोला, मानता हूँ। अब मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली, अब पंच लोगों को मेरी एक बात माननी होगी। जब पंच ने पूछा, बताओ, तो जाट बोला, खूंटा तो यहीं गड़ेगा। जाट का जरिया हो नजरिया, दोनों अपने ही होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं जाटों के बारे में कुछ रोचक बातें। जाट धर्म होवे तो सर छोटू राम कहलावे, जाट संत होवे तो धन्ना भगत कहलावे, जाट धम होवे तो बुद्ध कहलावे, जाटनी रण लेवे तो दादी रानी भागीरथी महारानी कहलावे, जाटनी स्वाभिमानी होवे तो दादी रानी समाकौर गठवाली कहलावे, जाटनी छत्र धारणी होवे तो महारानी किशोरी बाई कहलावे, जाटनी सिंगणी होवे तो दादी रानी भंवर कौर कहलावे, जाट शाही होवे तो महाराजा पोरस कहलावे, जाट शांति दूत होवे तो सम्राट अशोक कहलावे, जाट कूटनीतिक होवे तो महाराजा सूरजमल कहलावे, जाट क्षत्रिय होवे तो महाराज जवाहरमल कहलावे, जाट आशिक होवे तो रांझा कहलावे, जाट दानी होवे तो सेठ छाजूराम कहलावे, जाट जागरूक होवे तो राजा महेंद्र प्रताप कहलावे, जाट नायक होवे तो चौधरी चरण सिंह कहलावे, जाट देशभक्त होवे तो सरदार भगत सिंह कहलावे। इसके अलावा ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो वहां जाटों ने देश के लिए सबसे ज्यादा पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अब तक कुल अर्जुन अवार्डों में 68% अर्जुन अवार्ड इसी 5% जाति ने लिए हैं। भारतीय सेना की ताकत जाट रेजिमेंट भी इसी 5% जाति से है। दो बार तेहरा शतक लगाकर देश की शान भी इसी वीर जाति के खिलाड़ी ने बढ़ाई। देश के अनाज देने में सबसे आगे भी इसी जाति के किसान है। बंजर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाया जाता है वो भी ये जाट ही जानते हैं। इस जाति का योद्धा एक हाथ में हल्की मूठ और दूसरे हाथ से तलवार पकड़ना जानता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि खेत में खर्राटों का और जिंदगी में जाटों का अलग ही मजा होता है। वो जाट ही थे जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर का ज्यादातर खजाना वापस लूट लिया था। वो जाट रामलाल खोखर ही था जिसने पृथ्वीराज चौहान के हत्यारे मोहम्मद गौरी को सिंध में मार डाला था। वो जाट महाराजा रणजीत सिंह ही था जिसने मुगलों को काबुल कंधार में जाकर पीटा था। वो जाट वीर गोकुला और माडू जाट ही थे जिन्होंने औरंगजेब की मरोड़ तोड़कर रख दी थी। वो जाट चूड़ामन ही थे जो जोधपुर के महाराज अजीत सिंह की पुत्री को फरूख सियर पठान से छुड़ा कर लाया था। वो जाट राजा नाहर सिंह ही था जो देश के लिए 1857 में शहीद हुआ। वो जाट महाराजा सूरजमल ही थे जिसने घायल मराठों की मदद की और जिसके जीते जी किसी दुश्मन की भरतपुर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वो जाट राजा जवाहर सिंह ही था जो लाल किले के किवाड़ तक उतार लाया था, जो आज भी लोहागढ़ के किले में चढ़े हैं। वो जाट करतार सिंह ग्रेवाल ही था जो छोटी सी उम्र में देश के लिए फांसी पर झूल गया था। वो जाट भगत सिंह संधु ही था जिसने देश को आजादी दिलाई। वो जाट चौधरी छोटू राम ही था जिसने किसानों की जमीन की कुर्की बंद करा दी। वो जाट चौधरी सेठ छाजूराम ही जिसने पूरे हरियाणा में जाट स्कूल और कॉलेजों को खड़ा कर दिया। वो जाट ही हैं जो ताऊ देवीलाल जिन्होंने गरीबों और किसानों की भलाई में साइकिल टैक्स रेडियो टैक्स सारे माफ कर दिए और ढेरों कानून उनके लिए बनवाए। और इसके अलावा वो जाट चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ही था जो राजनीति में ना होते हुए भी सरकार को हिलाकर रख देता था।
वो जाट मेजर शैतान सिंह, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, कैप्टन सौरभ कालिया ही थे जिन्होंने कई लड़ाइयों में देश की आन बान शान तीनों बचाई। जो जाट सर सिकंदर हुयात खान चीमा ही थे जिन्होंने संयुक्त पंजाब में चौधरी सर छोटू राम के साथ मिलकर गरीबों और किसानों की भलाई में ढेरों कानून बनवाए। वो जाट जग्गा डाकू ही था जो अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। वो जाट हरफोल जाट जुलानी ही था जिसने अंग्रेजों के राज में गौ हत्ते तोड़े थे। वो जाट बाबा जानी ही था जिसने अदली खान की कैद से नार महकदे को छुड़ाया था। वो जाट बाबा शाहमल ही था जो 1857 में लड़ा था और अन्य लाखों करोड़ों जाटों ने धर्म, देश और कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये तो वो हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत क्योंकि अभी हम आपको ढेरों फैक्ट्स और बताएंगे। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिस पर से गुजरते तो सब है, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जाट शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ज्ञात शब्द से मानी जाती है। देश में सर्वाधिक जाट आबादी हरियाणा में है और यहाँ की कुल जनसंख्या का 27% जाट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में जाट हैं। जाट की अपनी बोली होती है। यदि आप किसी को दोस्त बना लेते हैं तो आप भी इसे आसानी से सीख सकते हैं। यदि आपके साथ कोई जाट है तो आपके पंगे या किसी के लफड़े के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये अक्सर यूं ही हो जाया करते हैं। हरियाणा में 70% हथियारों के लाइसेंस जाटों के नाम पर हैं। अधिकतर लोग जाट की लठमार बोली के कारण उनसे कन्नी काट जाते हैं, लेकिन एक बार जो उनके दोस्त बन जाएं ये, तो वो दिल के ज़रूर साफ होते हैं, ये उन्हें पता लग जाता है। जाट देसी गीतों के शौकीन होते हैं और अपने प्रांत के गीतों का पूरा मजा लेते हैं। जाट हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए जाट गिरी पर उतर आते हैं और अपनी पहचान दिखा कर ही दम लेते हैं। खेलों में चाहे क्रिकेट हो या कुश्ती, जाट सबसे आगे है। हरियाणा के जाट खेलों में अपनी अमिट छाप रखते हैं। अक्सर जाट यारों के यार और दुश्मनों के लिए तलवार माने जाते हैं। अपने वादे के पक्के होते हैं। जुबान अगर एक बार दे दी तो जान भी दे सकते हैं। हालात चाहे कैसे भी हो, वे जोक्स बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी बातों में तो ह्यूमर का भंडार होता है। जाट लेन देन के मामले में बड़े जल्द होते हैं। जान लेने या देने की ना तो परवाह करते हैं ना झिझक करते हैं। जाट का मिजाज हमेशा खुश ही नजर आएगा, चाहे वो खेत में हो या फिर अपनी नौकरी पर। पार्टी की रौनक और मजे तभी आते हैं जब जाट उस पार्टी में मौजूद हो। अक्सर जाट नौजवान सुंदर होते हैं और लड़कियां इनकी दीवानी होती हैं। प्लीज, सॉरी, इफ, बट और थैंक यू वर्ड्स आपको जाट की डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पहली बार मिलते ही राम राम या नमस्कार वो जरूर करेंगे। जाट बहुत कम बोलते हैं। जो बोलते हैं वो स्पष्ट और दो टूक बयां करते हैं। जो कह दिया वो एक बार कह दिया। जाट स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल होते हैं। जो ठान ली वो ही करनी है, चाहे आपका संविधान इजाजत दे या फिर ना दे। हर जाट स्वयं के जाट होने पर गर्व महसूस करता है और दिखाता भी है। छोरा जाट का, चौधरी बॉयज, देशी जाट, जाट के ठाट, चौधरी, द जाट, ये अक्सर आपने कई बाइक्स पर लिखे हुए देखा होगा। तो ये थे वो 50 फैक्ट्स जो अभी हमने आपको बताए। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिस पर से गुजरते तो सब है, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।